नमस्कार, आप सभी का न्यूज पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। सीएम नीतीश को फिर से आईएएस के पाठक से उम्मीदें हो रही है। आपको बता दें कि उनको फिर से याद किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, क्योंकि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए फिर से उन्हें ही जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। पिछली बार वो लंबी छुट्टी पर गए थे, लेकिन फिर से नीतीश कुमार को यह लग गया कि अगर शराबबंदी सफल करानी है तो के पाठक को याद करना पड़ेगा, उन्हें बुलाना पड़ेगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून ठीक से लागू करवाने के लिए एक बार फिर से के पाठक को बुलाना पड़ रहा है। शराबबंदी की समीक्षा के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस अधिकारी के पाठक को निबंधन उत्पाद एवं मद निषेध विभाग में अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पाठक अपनी कड़क प्रशासनिक छवि के लिए जाने जाते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट भी माने जाते हैं। 2016 में भी इनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी और उस समय वो विभाग में प्रधान सचिव थे। बताया जाता है कि शराबबंदी कानून बनाने में इनका ही अहम भूमिका रहा है, इनकी ही अहम भूमिका रही है। बाद में विवादों की वजह से पाठक लंबी छुट्टी पर भी चले गए थे। तब बात यह मीडिया में सामने आ गई थी कि बिहार उत्पाद एवं मद निषेध विभाग ने नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के एक नेता के यहाँ से शराब की बोतलें बरामद की थी। पाठक का कार्यकाल शिक्षा विभाग में भी काफ़ी चर्चे में रहा था। सुधार के कई बड़े कार्य उन्होंने वहाँ किए थे और 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग पटना में योगदान देकर पद स्थापन की प्रतीक्षा में थे। अब नीतीश सरकार ने उन्हें अगले आदेश तक निबंधन उत्पाद एवं मद निषेध विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर पद स्थापित कर दिया है। जहरीली शराब से मौत के बाद सरकार ये तमाम फैसले ले रही है। बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। और उसी दौरान नीतीश कुमार ने ऐलान किया समीक्षा बैठक की, जो कि 16 नवंबर को करवाए गए। उसके बाद उन्होंने कुछ डिसीजन दिए। डिसीजन में ये था कि शराबबंदी कानून का जो भी उल्लंघन करेंगे और जिस भी एरिया में शराब पाए जाएंगे, वहाँ के रेस्पेक्टिव जो थानेदार होंगे उनको सस्पेंड कर लिया जाएगा, और अगर उसमें कोई और भी संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें भी डायरेक्ट सस्पेंड किया जाएगा। जिसके बाद अब इन्होंने एक और फैसला लिया है कि मद निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर के पाठक को नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी हैं, अपने स्ट्रिक्टनेस के लिए जाने जाते हैं। देखना ये होगा कि क्या ये शराबबंदी को सफल बना पाएंगे या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तमाम वही चीज़ें झेलने को मिलेगी, वही चीज़ें सुनने को मिलेगी कि बिहार में शराबबंदी असफल रही है, शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकी, जिसके चलते लोग जो हैं जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।